कितना पैसा कमाने गए थे वो? 10 लाख कमाने गए। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाऊ के लिए आया। आज से भाऊ अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सहिंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है राजा नहीं, उसको बोल खुदा के लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। बकरा है फुटिया से। रुक जाओ। ए, क्या बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां है तेरे पास, अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली, हो गया हिसाब बराबर। सबके सब घूम के रख दिए जाओगे। साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश, इनके सपोर्ट से तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है, अब भी मैं अपना शर्ट दान किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? ए, तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब, इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया, ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया, पर तुझे पता तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। चल बता पार्टी कब है? मंगल सीनू की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाऊ ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाऊ सबका हीरो बन गया था।